नमस्कार, मैं अमरवड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आज अभी आए हुए हैं जमदा शाही का ये ग्राम सभा है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसमें बिना खाए पिए, यहाँ तक कि पानी भी शायद इन लोग नहीं पीते नहीं। और आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम में मैं जमदा शाही ग्राम सभा में खड़ा हूँ। लोग कहते हैं कि जमदा शाही से जो ये ग्राम सभा है, पूरे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ग्राम सभाएं हैं, जमदा शाही से सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार को मिलता है। उसमें आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सुविधाएं भी वैसी उसी प्रकार की मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। यहाँ के लोग खड़े हैं, इससे पहले अभी ऑफ कैमरा भी चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी ये आरोप है कि इन लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। हम भी कहेंगे, मैं अमरमणि मिश्रा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ मैं, लेकिन अगर इन लोगों का ये कहना सत्य है तो कहीं ना कहीं रमजान महीने में तो इन लोगों को पाक महीने में बिजली मिलनी ही मिलनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति सुबह से शाम रात तक अगर पानी तक नहीं पीता, उसको कम से कम इस सब चीज़ों की व्यवस्था मिल जाए तो सरकार कहीं ना कहीं अच्छी है। ये लोग बाग भी कहना चालू कर देंगे। कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा उन्हीं से, पूछना चाहूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? जी, फजलुर रहमान। फजलुर रहमान जी, आप कहाँ के निवासी हैं? जमदा शाही, ग्राम जमदा शाही बस्ती। ग्राम जमदा शाही बस्ती से जी, जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस जगह पे? है कि जो रमजान शरीफ का पवित्र महीना चल रहा है जी, मेन अफ्तारी का टाइम जो हम लोगों का रहता है, सेम उस टाइम लाइट नहीं मिलती है। अफ्तारी क्या होता है, थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, जैसे बहुत लोग जी समाप्त करते हैं, तोड़ते हैं, जहाँ मतलब ब्रेक करते हैं, रोजा को ब्रेक करते हैं, समझ ना, वो टाइम वही इतना 16 घंटे का रोजा रहता है, बिना खाए पिए हम लोग रोजा रहते हैं, पानी का एक कतरा भी नहीं पीते हैं और ठंडे पानी की आवश्यकता जरूरत रिस्पॉन्स रहती है हम लोग को जरूरत, लेकिन उसी टाइम दिन में लाइट नहीं रहती है, ठंडे पानी नहीं मिल पाता। टाइम आपका कितने बजे से कितने बजे तक का होता है? ये सुबह 4 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक रहता है। 6:30 बजे हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं रोजा जी जी। स्टार्टिंग बिगनिंग जो होती है हाफ पासपोर्ट, हाफ पासपोर्ट क्वार्टर क्वार्टर पासपोर्ट स्टार्ट होता है। और शाम 6 बजे 6:30 बजे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं जी। जो हम लोगों को दिन में तो लाइट अभी तो मैसर ही नहीं है यहाँ से। मैं जैसा कि देखिए, एक जैसे दिन की बात कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं एक चीज और भी जहन में आ जाता है, अभी किसानी चल रही है, मालूम है किसानी चल रही है, रात में रहती है लाइट रहती है कि नहीं, कम से कम रात में भी लाइट काट देते हैं क्या यहाँ पे? रात में भी कटती है, दिन में भी कटती है, लेकिन हमको जो नीड आवश्यकता जो है वो लाइट की, शाम में कम से कम 5 से 7 या 8 तक आवश्यक चाहिए, जरूरी चाहिए लाइट। तो विद्युत अभियंता बस्ती, अगर ये चीज कभी ये वीडियो आपके पास तक जा रही है तो इन लोगों की जो समस्याएं हैं, कम से कम अगर 1 से 2 घंटे की बिजली अगर चाहते हैं ये पूरे रमजान पाक महीने में, तो कम से कम ये उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। तो और भी क्या प्रॉब्लम है इस ग्राम सभा की, और भी कुछ बता सकते हैं? एक लाइट की तो प्रॉब्लम आपने बता ही दिया, शिक्षा की भी प्रॉब्लम बहुत है। शिक्षा में क्या क्या दिक्कत हो रही है? देखने में ऐसे लाइट और ये सब शो ऑफ सिर्फ दिख रहा है, आप जब अंदर से देखेंगे, बच्चों में बात करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा उनके अंदर कितना मतलब शिक्षा है। तो क्या बात करने पे अंदाजा हो जाएगा, स्कूलों की कमी है, स्कूलों की कमी है, तरबियत की कमी है जी, तरबियत की कमी है, स्कूल तो है ही, शिक्षक है जो यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक है, गवर्नमेंटी शिक्षक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं प्रॉपर। यहाँ कितने स्कूल हैं? यहाँ पे अभी तो फिलहाल 2 इस्लामिक स्कूल है जी, और एक हिंदी मीडियम स्कूल है। तो हिंदी मीडियम वाले गलत पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने तो आप तो आपको भी मालूम है किस तरह की इस वक्त पढ़ाई हो रही है, इस दौर में पढ़ाई हो रही है, बच्चे अगर उसमें मतलब वो कैपेसिटी है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो पढ़ेगा, नहीं इंटरेस्टेड है जैसे, चूंकि तो आज स्कूल बंद ही होगा। हाँ, इस्लामिक स्कूल वैसे भी रमजान के महीने में बंद है, और वैसे भी आज अंबेडकर जयंती है तो स्कूल वैसे भी बंद होगा, है ना? तो देखिए, कोशिश जरूर करूंगा मैं आप लोगों के सामने बोल के जा रहा हूँ कि आपके स्कूल पे एक बार जरूर आऊंगा और उसका विजिट जरूर करूंगा, ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल के जा रहा हूँ। ये दो चीजें आपने बताया, और क्या प्रॉब्लम है इस गांव ग्राम सभा में? ग्राम सभा मुख्यतः सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम बेरोजगारी की है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आपकी होल लाइफ इज
बिगनिंग द स्टार्ट राइट, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। कितने लड़के यहाँ बेरोजगार हैं? आप यहाँ खड़े हैं, जितने बच्चे हैं पूछ ले कौन एम्प्लॉयमेंट कितने हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट आप किसको मानते हैं, सरकारी नौकरी वाले को सिर्फ या जो भी कोई काम करता है? कोई भी प्राइवेट और सरकारी काम बेरोजगार, आप भी बेरोजगार हैं ठीक है, मैं भी रोजगार से हूँ, लेकिन इसमें 99% बेरोजगारी है आपके ग्राम सभा में। ग्राम सभा में एक दिन आप सबको इकट्ठा करेंगे, मैं आऊंगा इस जगह पे। देखिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, तो कहीं ना कहीं या तो इस ग्राम सभा तक पहुंच नहीं रही है, या तो इस ग्राम सभा को पता ही नहीं। मुझे तो दूसरे का तो छोड़े, गवर्नमेंट की जो सुविधा मिलती है, मैंने अपना वो क्या नाम राशन कार्ड कटवा दिया, ना मिलने की बुनियाद कटवा दिया मेरा था, ना मिलने की वजह से कटवा दिया, वैसे भी नहीं मिलता था, अभी कटवा दिया, कुछ भी नहीं मेरे पास, जीरो। नहीं तो आप उस लायक हैं कि राशन कार्ड कटवा दिए ना, तो आप उस लायक थे इसलिए कटवा दिए आप, ऐसा तो नहीं है कि आप उस लायक थे नहीं इसलिए कटवा दिए? नहीं जब मतलब गवर्नमेंट से सुविधा, ये काम आप कब कर सकते हैं कि जैसे देखिए हम सरकार तो नहीं लेकिन आपकी आवाज जरूर बन सकते हैं। जब सरकार से सुविधा हम तो मिल रही है, हम तक नहीं पहुंच रहे, तो नहीं नहीं अच्छी बात, इस चीज पे आपको खड़ा होना चाहिए, जो चीजें जो जिस अधिकार के आप लायक हैं उस पे आपको खड़ा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ना। अभी जो आपके यहाँ पे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं ना, उन लड़कों को आपको रात के 11 बजे आ जाए आपको पता चल जाएगा बेरोजगारी है कि नहीं, लाइट लगा के क्रिकेट खेलते हैं, कुछ काम नहीं है, वो क्रिकेट खेलने का मौका है, ये टाइम क्रिकेट खेलने का रात के 11 बजे हो सकता है, वो सौरभ गांगुली और वो वीरेंद्र सहवाग चंद्रम खेलते हैं उसमें सौरभ गांगुली बनेंगे। अच्छा ऐसा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते मतलब अपनी जिंदगी को टाइम वेस्ट है, वेस्ट टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम तो दुनिया की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अभी रमजान के बाद आइए तो सारे प्रॉब्लम इकट्ठा करके रखेंगे, फिर आपके सामने रखेंगे क्या प्रॉब्लम। चलिए जैसा कि आप लोग सुने भी रमजान का महीना चल रहा है, इसके बाद सबके गले सूखे हुए हैं, कोई गले भी कहीं ना कहीं सूखे हुए हैं खान साहब के, तो इस रमजान को खत्म होने दीजिए, हो सकता है फिर से एक बार विजिट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद पूर्णतः इस जगह की समस्या, जैसा कि यहाँ से जो बाहर जाता है ना जमदा साई की जो बात बाहर जाती है रोड पे या लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव जाती है, इसीलिए मेरा भी मन करा आज की जमदा साई चलते हैं और वहां के लोगों से बात करते हैं जमदा साई आके, लेकिन पता चल रहा है कहीं ना कहीं समस्याएं वहां भी यहां भी वहां उसी तरह हैं जहां की अन्य जगहों पे लगभग चल रही हैं। तो जरूर एक बार यहां पे आएंगे फिर से और विजिट करेंगे इस रमजान के महीने के बाद। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा कैमरामैन संदीप के साथ।